कल मैं सो गया था, मैंने कहा शुगल मिला करते हैं। मेरा शुगल मिला सोने में हो गया, मैं तो सो गया जाके, ठीक है। और अभी उठा हूँ, दोपहर हो रही है, बाहर बबल खाने से जी बात नहीं निकली। बाहर बड़ा मजे का मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है, हवा चल रही है, ठीक है, बड़ा मजे का ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। मैं तो ऐसे आराम से बैठा हूँ, कोई गर्मी कोई पसीना नहीं, पंखा बंद किया हुआ, पंखा वैसे ही बंद किया। अभी जो मैंने कहा हम ऊपर जा रहे हैं ना आपको दिखाने टेरेस में, चाहे आपको मौसम दिखाता हूँ बाइक का। देखा आप सबने मौसम कितना प्यारा ठंडा ठंडा मौसम है, फील नहीं कर सकते, देख तो सकते हैं, मैं फील कर सकता हूँ। तो खैर अभी इस मौसम को और एंजॉय करने के लिए बाहर जा रहे हैं कहीं पे घूमने फिरने, ठीक है, बाहर चल के कहीं घूमते फिरते हैं, इस मौसम को और ज़्यादा एंजॉय करते हैं। 1 hour later तो ये अभी बट स्ट्रीट पर आया, बट स्ट्रीट पर आए हुए हैं ठंडे ठंडे मौसम में, गरम गरम समोसे खाने, ठीक है। अभी वो समोसे लेके आते हैं चल के, फिर समोसे खाते हैं गरम गरम। रश माशाल्लाह फुल लगा हुआ है इधर जी, गरम गरम समोसे निकाल, गरम गरम समोसे, ये देखना ये चीज़ निकाल भी लो अंकल, अभी गरम गरम समोसे निकालेंगे अंकल, समोसे आ रहे हैं फिर खाते हैं अभी। Eventually ये आगे गरम गरम समोसे, अभी इसमें चने वाली चटनी डालनी है, वो शॉपर में दूसरी तरह आई है, ख़त्म हो गई थी, बाद में आई है। और ये समोसे हैं न्यू बट के, घड़ी शॉप में बट उसके हैं, वो चने आए नहीं, बस उसकी चटनी आई है। तो समोसे खा के आगे निकल पड़े डेस्टिनेशन पे, जाने से पहले पहले शेक आ गया, मैंने कहा शेक भी पी लेते हैं, शेक की शॉप आ रही थी, मैंने कहा शेक पी लेते हैं, गर्मी ठंडे, गर्मी तो है नहीं, ठंडे ठंडे मौसम में ठंडा ठंडा शेक गर्म समोसों के बाद, मैंने कहा अब शेक पी लेते हैं, अब शेक पी के फिर चलते हैं आगे। मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है, बारिश रिमझिम हो रही है, रुक रही है, हो रही है, रुक रही है। 20 minutes later मुझे फिर दिल कर रहा था कुछ खाने का, फिर रोल ले लिया। मैंने वीडियो बाइक रोक के बना रहा हूँ, चलती बाइक में मैंने कहीं नहीं बनाते। अब रोल खा लिए, समोसे खा लिए, मिल्क शेक पी लिया, सब कुछ कर लिया, अब हम जा रहे हैं आगे। पहले हम गए थे अनारकली, अनारकली से कुछ लेना था, लेके अब जा रहे हैं वैसे ही घूमने, ठीक है। यहाँ पे आगे करके मीनारे पाकिस्तान आएगा मेरा ख्याल है, मैंने कहा उसको देखते हुए चलते हैं, उधर रात के नज़ारे देखते हैं। बारिश हल्की हल्की, बहुत हल्की हल्की बारिश हो रही है, बड़ा मज़े का मौसम है ठंडा ठंडा, अब उधर को चलते हैं। इधर तो मेला लगा हुआ है, मैं इधर से गुजर रहा था, मैंने कहा उधर आगे चलते हैं, इधर ही शाही किले वगैरह चलते हैं, बादशाही मस्जिद वाली साइड पर, पुल से गुजरते हुए इधर देखें, इधर मीनार पाकिस्तान में सर्कस हो रहा है, वो सर्कस लगा हुआ है और ये सारा मेला लगा हुआ है एक टाइप का। अब समझ नहीं आ रही किधर चलें या किधर चलें, किधर चलें, किधर चलें, मेरा ख्याल है उधर, दोनों एक ही जगह आएंगे, वैसे एक ही गेट है दोनों का, इधर पहले इधर चलते हैं फिर उधर चलेंगे। कुछ भी ख़ास नहीं है यार, अंदर सब ख़त्म हो रहा है, वाइंड अप कर रहे हैं, कहने को अभी मगरिब हुई है, अभी अभी मगरिब हुई है, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ खास नहीं है। मीनार पाकिस्तान बड़ा प्यारा लग रहा है, लेकिन बाकी सारा ये सारा ख़त्म कर दिया इन्होंने, ठीक है। वो मौत का कुआ ही चल रहा है, वो लगा हुआ है, वो चल रहा है, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि नहीं अब ख़त्म हो गया, वो अपने लिए चलाया हुआ बस, वाइंड अप कर रहे हैं, हम लेट हैं। वो कह रहे हैं पता नहीं 4 जुलाई से लगा हुआ था, अब ख़त्म हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है फिर हम चलते हैं बादशाही मस्जिद वगैरह, शाही किले वाली साइड पे बादशाही मस्जिद चल के देखते हैं। रात में, दिन में देखी है, रात में नहीं देखी, बचपन में देखी थी। वो जितने करीब जाए जा रहे हैं बादशाही मस्जिद के, उतनी हसीन लग रही है वो, देखें
वो उसकी खिड़कियाँ किस कदर हसीन लग रही हैं वो सारी। अभी वहाँ चल के इधर की बनाएंगे, माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही है, जितना करीब जा रहा है उतनी प्यारी लग रही है। मैं उस साइड से जा रहा हूँ ताकि उस साइड पे शाही किला भी आ जाएगा, शाही किले को देखते हुए फिर इधर बादशाह है, उधर से एंट्रेस है इसकी, मुझे चलते हैं। इधर कहीं पे म्यूज़ियम भी था मैंने सुना था, लेकिन पता नहीं कहाँ है। काफ़ी अंधेरा हो रहा है अंदर। ये शाही किला, ये शाही किले का एक और गेट है, शाही किला बंद है, शाही किले का एंट्रेंस नहीं है। 8 बजे मुझे लग रहा था अभी 7 बजे सिर्फ, शाही किले का एंट्रेंस बंद है। वो सामने फूड ट्रेड है, ठीक है, मेरा हाथ अगर दिख रहा हो अंधेरे में भी। ये बादशाही मस्जिद है, बादशाही मस्जिद के अंदर चलते हैं अभी, ठीक है। और सामने से एक वैन आ रही है, ये आपको पूरा टूर कराती हैं, ये वो वाली वैन है, वो जो वैन है। और एक चीज़ जो ये है, ये इलामा इकबाल की कब्र है, इलामा इकबाल का मज़ार है, और इसके पीछे बादशाही मस्जिद। कितनी हसीन लग रही है। स्ट्रीट का गेट है, ये वैसे तो बंद होता है, आज खुला हुआ है। ये हम करीब जाते हुए बादशाही मस्जिद के, अभी अंदर भी चलते हैं। अंदर आके कितना हसीन लग रहा है अंदर से, वो फूड स्ट्रीट है। बाहर इसके इतना पीस वाला माहौल था, अंधेरा था, उसके अंदर गोल्डन कहीं कहीं लाइटें जल रही थी, इतना सुकून मिला था, आपने तो देखा ही है। जैसे जैसे करीब जाओ ना फीलिंग आती है, लगता है हम वापस बादशाह वगैरह के दौर में आ गए। तो यार आज के ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं, उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। और जो फूड स्ट्रीट जाना है वो नेक्स्ट पार्ट में इसका करेंगे, अगला पार्ट शुरू करते हैं, ये काफ़ी लंबा हो गया क्योंकि काफ़ी चल रहा था लंबा। नेक्स्ट मैंने कहा नेक्स्ट व्लॉग बना देते हैं, उसके अंदर नेक्स्ट पार्ट आगे इसी को कंटिन्यू नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। तो आज वाले व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।